सो ये स्टेलर, क्या है, व्हाट वाज यस्टरडे डू, डैम इट वेंट टिल, अपॉर्चुनिटी हाँ पर नहीं, नॉट अ बाइंग, नो नो, लुक एट द वीक, डेफिनेटली नॉट बाइंग, बट एक्सएलएम ये जो मूवमेंट था, दिस वाज गुड अप ट्रेंड, लो हायर, लो हाई, हायर, ऑल टाइम तो नहीं, ऑल टाइम, यहाँ ऑल टाइम है, हाई हायर है, सो एक हायर, हाई हायर लो बना लिया था इसने, उसके बाद तो बिल्कुल ही ऐसी तैसी कर दी, मतलब इस लो के भी नीचे चला गया, राइट, मतलब प्राइस बहुत ही नीचे क्रैश हुआ, और इसका 4 hour chart आई एम प्रिटी श्योर कुछ देखो कोई डिफरेंस नहीं है ज्यादा, ये हाई लोअर, हाई लोअर, हाई लोअर, हाई लो, लोअर लो, लोअर लो, ठीक है, सो इस हाई के बाद कुछ बना ही नहीं, मतलब सिंस लाइक पास्ट 4 days, नो लोअर, हाई लोअर लो, नथिंग लाइक दैट, जस्ट सेलिंग 20 मई के बाद से बस बेच के जा रहे लोग, मतलब कोई हाई लो कुछ कोई चक्कर ही नहीं बना रहे हो, ठीक है, तो अगेन वेरी बेरिश साइन दैट लॉन्ग प्लीज, मतलब यार अब देख रहे हो ना, मतलब मार्केट क्रैश है, तो उसमें मेरे को अगर प्लीज बोलना पड़े लॉन्ग करने के लिए, ना करने के लिए, तो सोचो आप लोग, मतलब कितना मेरे को, मतलब ऐसा लगता होगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, तो प्लीज डोंट लॉन्ग, प्लीज प्लीज डोंट लॉन्ग, ये 54 वाला जो सेंस वाला एरिया है, ये इस रेजिस्टेंस के ऊपर ही देखो, अगर लॉन्ग करना भी है वो वही, मतलब प्रोसेस सेम है कि डेली क्लोज होना चाहिए, फिर कंफर्मेशन मिलना चाहिए, फिर उसके बाद वॉल्यूम्स वगैरह देखो, जो हमारे क्राइटेरियाज है वो चेंज नहीं होते कभी ज्यादा यूजुअली, तो वो सब जब तक नहीं होता तब तक प्लीज डोंट लॉन्ग, शॉर्ट इज फॉर यू टू डिसाइड, जैसे भी आपकी स्ट्रैटेजी है, 35 सेंट्स इज द सपोर्ट, 0.35, एंड 44 या 43.7 इज द रेजिस्टेंस, 0.437 इज द रेजिस्टेंस, नेक्स्ट इज एक्सआरवी, यार आई फील सो बैड, लास्ट टाइम भी बोलता है एक्सआरपी लास्ट में आता है उसके, मतलब मूव बॉयज हैव मूव्ड ऑन टू डॉज, इट्स लाइक फॉरगेट, ओ माय गॉड लुक एट दिस, मेड अ ऑल टाइम हाई, नहीं ऑल टाइम हाई नहीं, मतलब पर लोकल हाई दिस दिस ईयर, हां मतलब ऑल टाइम तो ऊपर है $3 के ऊपर, बट करेक्ट, ये अभी का हाई बनाया है, ये लोअर हाई बनाया है, ये लो बनाया है, और कल जो कैंडल क्लोज था वो भी, तो दिस इज ये है कि मार्केट में जो वीक होते हैं ना कॉइन्स, वो बाकी क्रैश के पहले ही मूवमेंट दिखाना शुरू कर देते हैं, क्रैश तो ये यहाँ हुआ है राइट 19th में को, ये तो भाई पहले से लोअर हाई बना चुका था यहाँ पे राइट, और यहाँ ऑलरेडी लो बना दिया था, और अब कल का तो लोगों ने बिल्कुल ही कंफर्म ही कर दिया कि मतलब, तो वेन एवर, इफ आई एम नॉट सेइंग दिस इज अ बेयर मार्केट येट, वेन एवर इट स्टार्ट्स दिस सच कॉइन्स विच हैव ऑलरेडी शोन वीकनेस, जो क्रैश के, मतलब बिटकॉइन क्रैश हो तो सभी गिरेंगे, पर बिटकॉइन क्रैश के पहले से ही अगर कोई कॉइन्स हैं जो ऑलरेडी वीकनेस दिखा रहे हैं, जो मतलब बुल मार्केट में भी थोड़ी वीकनेस दिखा रहे थे, उनको ढूंढ ढूंढ के रखो, उनको बेयर मार्केट में शॉर्ट करते हैं, जो कॉइन्स बेयर मार्केट में पहले से, मतलब स्पाइक के पहले, जब बिटकॉइन अभी स्पाइक होगा राइट, बिटकॉइन अभी जब भी स्पाइक होगा, उसके पहले से ही जो थोड़े से दिखा रहे थे बुलिश साइंस, उनको ढूंढ के रखो, उनको लॉन्ग करेंगे जब बिटकॉइन सेटल हो जाएगा, ऐसी चीजें, इसको रिलेटिव स्ट्रेंथ बोलते हैं, कि भाई रिलेटिवली किस में ज्यादा स्ट्रेंथ है या लैक ऑफ स्ट्रेंथ है, मतलब इट्स नॉट स्ट्रांग, वो ढूंढ के रखो, उसकी लिस्ट बनाओ, उनके लेवल्स को ट्रैक करो, और फिर वैसे मेहनत करो थोड़ी ट्रेडिंग में, मतलब बेसिकली थोड़ा ढूंढ के रखो, रैंडमली लोगों को ट्विटर पे जाके या टेलीग्राम पे जाके कि मैं क्या बाय कर लूँ मत पूछा करो, दैट्स नॉट गोइंग टू मेक यू मनी, मेक अ लिस्ट ऑफ कॉइन्स विच वर वीक ड्यूरिंग बुल साइकिल एंड विच वर स्ट्रॉन्ग ड्यूरिंग, मतलब बुल साइकिल नहीं, इन द प्राइस राइज विच वर वीक, जैसे एक्सआरपी, जो वंस विच वर स्ट्रॉन्ग, कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्ग ड्यूरिंग फॉल, राइट, और फिर उनको ढूंढ के, क्योंकि वो अगर इस मार्केट में भी स्ट्रांग है तो वो जब बढ़ेंगे तो कैसे होगा राइट, सो डू दैट, फोर आर्ट करना जरा सा सुधांशु, ओके, और जो केक के बारे में पूछ रहे ना वो भी डिस्कस हो चुका है भाई, आप थोड़ा सा वेट कर लो, वीडियो खत्म होगा वापस देख लेना, हाँ जो 4 hour पे है ये तो वही है, जोर से सेलिंग, एक कोशिश कि थोड़ा बढ़ जाए, और फिर ये तो बीच में से भयंकर ही सेलिंग, मतलब बहुत ही जोर से हो रही है, इसमें तो बिल्कुल ही मतलब कोई वो ही नहीं रख रहा, सिर्फ ये एक दिन शायद भी, मतलब 2-4 बीच में थोड़ा कैंडल्स थे या साइडवेज हुआ था, उसके बाद से सेलिंग आ रही है, तो वेरी एग्रेसिव सेलिंग सिंस 20th में, लेट्स सी अभी कहाँ जाता है,
सो बट प्लीज डोंट लॉन्ग प्लीज, मतलब ये तो बिल्कुल भी मत करो एटलीस्ट जब तक ये वाला रीजन जो है ना, ये वाला 1.3 1.25 वाला जो ये रीजन है 1.3 1.27 जब तक वहां नहीं चला जाता तब तक प्लीज डोंट लॉन्ग शॉर्ट, देख लो आपकी जो मर्जी, ऑलरेडी काफी गिर चुका है, see if you want to wait for replacement or whatever, right? 0.8 is the support, 0.935 is the resistance. Next point, counselor. 0.5 is the support. Next is Wi-Fi. 1.11 was the 0.91 was the resistance. Right. Okay. Wait, I'll open. Go back to me. 0.8 is the support. 0.935. Okay. Got that? Yeah, got it. Got that? Yeah. If I, oh. बिटकॉइन ने एकदम हैसियत दिखा दी, सेक तू नेर से ज्यादा कैसे 95 तक गया, लो बनाया 23 पे, डूड इनसेन 95 23, देयर इज नो वाओ मैन, एवरी ऑल दैट वी ओपन वो और बेचारा पिट के आया हुआ था. एनीवेज दिस इज वेरी स्ट्रांग अप ट्रेंड, ये जो था यहां पे लो बनाया, हायर लो बनाया, हाई ऑल टाइम हाई, ठीक है. और उसके बाद जो ये जो क्रैश में उस दिन 37% नीचे आया, फिर कल तो और वीक और भी बहुत नीचे, मतलब उस दिन के लो से बहुत ही नीचे चली गई, राइट? तो वो मतलब बहुत बड़े बड़े मूवमेंट बेसिकली. एंड डेफिनेटली ये जो 52,000 वाला है, इसके जब तक ऊपर जाके ये क्लोजिंग देके कन्फर्मेशन नहीं देता प्लीज डोंट लॉन्ग, क्योंकि 4 आवर चार्ट में फिर दिखा देता हूँ मोर ऑर लेस सबके सेम. ये देखो ये 52 के बाद से ना उसने ये जो है ये यहाँ से बनाया ही नहीं है, कोई सीन ही नहीं है, मतलब हाई वाय का लोगों का कोई चक्कर नहीं, सीधा सेलिंग. तो ये जो ये 20th में के जो ये है ये सब में वो उसके बाद से सेलिंग आ रही है, जिनमें ज्यादा आई है थोड़ी, तो वो जब तक नहीं निकल जाते तब तक प्लीज डोंट फॉल. योर टाइम हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, उसके बाद बनाया नहीं, लो लोअर लो लोअर लो मच लोअर लो, तो इट इज स्टिल बेरिश, प्लीज डोंट long just yet, short for you to decide. बता नहीं सकता उसके बारे में, मतलब जैसे अब इसमें तो retracement भी काफी आया है, कई लोग होते हैं उनको retracement पे short करते हैं, कई जब ये support टूटेगा तब करेंगे, जैसी आपकी strategy है, मतलब for you to decide, but please don't don't long yet is what I would say. थोड़ा wait करो 52 के ऊपर, यहाँ कहीं देखो support is at 33,360 and the resistance is at 43,370. एक कॉइन ले ले WRX, यहाँ पे दो तीन लोग बात कर रहे हैं, द बेस्ट लाइफ DIY हैज मेड 75% प्रॉफिट, इट्स अप 52% इन वन डे, जस्ट वांट टू सेल्फ WRX वजीरएक्स. सो नहीं क्या DIY, क्या मैं समझ नहीं, क्या उसका नाम है, हैंडल का नाम है, DIY उसका नाम है, उसने प्रॉफिट किया है, इट इज अप 32% नॉट 52% इन 24 आवर्स. No, today's candle is up. मतलब high low मिला के पता नहीं मुझे. नहीं दिख नहीं रहा स्क्रीन. हाँ मैं स्क्रीन चेक करता हूँ. क्या पता है? हाँ ना पे हो सकता है. 24 hours from right now, like exactly 24 hours ago. So we have a bot that calculates it. उसमें 50% दिखा रहा है वो. हाँ bottom से तो like Ethereum is also up by like 35-40%. Congratulations, the best life DIY for making 75% profit. बता दे भाई इसमें क्या सीन है? देख रहे हो आप सब बेरिश है नहीं आई लास्ट यू वन वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है? हाँ कोर्स क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से व्हाट हैपेंस टू अ मार्केट नाउ इन दिस सिचुएशन, व्हाट इज द रिकवरिंग फुल्ली वर्सेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट दिस बीइंग अ डेड कैट बाउंस और इसके बाद नीचे जाने का. उसके पहले WRX की बात कर लें, फिर स्क्रीन शेयर बंद करके बात करेंगे, ठीक है? तो WRX की प्रॉब्लम ये है, मेरे दोस्त आपने पैसे बनाए बहुत अच्छा किया, वेरी गुड फॉर यू, द प्रॉब्लम विद इट इज वे बिफोर द क्रैश, क्रैश तो ये है 19th में का, ठीक है, ये है, बट उसके पहले बहुत पहले से, मतलब ये यहाँ से इट इज ऑलरेडी मेकिंग लोअर हाईज एंड लोअर लोस ऑन द डेली चार्ट, ये हाई, ये लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, much lower high,
उसके बाद तो मतलब रिट्रेस ही नहीं किया, लो लोअर लो लोअर लो वे लोअर लो तो और ये ऑब्वियस भी था थोड़ा, क्योंकि ये जो पंप आया था क्रिप्टो स्पेशल आया था ये 400 रुपए तक पहुंच गया था INR में, तब इट डिड लाइक गो दैट वे। फिर ये साइडवेज जाना चाहिए था टेक्निकली, बट मुझे नहीं पता कि ये गिरने क्यों था, एंड इट केप्ट फॉलिंग एंड इट केप्ट गोइंग लोअर एंड कंटिन्यूज टू डू दैट। ऑफ कोर्स आज पंप आया है तो यार आज तो हर ऑल्ट 20-25-30% अप है, ऐसा थर्सडे को भी हुआ था राइट, और ऐसा होता रहेगा भाई। बेयर मार्केट भी अगर होगा, मतलब ये है नहीं पर अगर होगा तो कोई ऐसा हर दिन थोड़ी नीचे जाता है, मतलब गोज ज़िगज़ैग राइट, बट अल्टीमेटली द नेट नेट इफेक्ट इज दैट इट विल इट गोज डाउन। सो दिस इज वेरी बेरिश स्टिल ऑन द लॉन्गर टाइम फ्रेम। एक बार 4 आवर में भी देख लेता हूँ, ये देखो 4 आवर में तो ये देखो ये 1.56 पे है, ये पिछला हायर है सॉरी लोअर है, और उसके ऊपर वाला जो है वो 2.4 पे 2.4 1.6 और फिर ये, तो ये जब तक 1.6 के ऊपर नहीं जाता तब तक तो ये बेरिश ही बना हुआ है, एंड इट हैज बीन लाइक दैट फॉर सिंस लाइक अप्रैल फर्स्ट वीक सेकेंड वीक जो भी है, तो ये तब से गिर रहा है, तो मतलब अच्छी बात है इंट्राडे, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। आप लॉन्ग करके बिल्कुल पैसे बना सकते हैं, पर उस फिर आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, कितनी जल्दी निकल रहे हो, क्या कर रहे हो। हफ्ता भर होल्ड करोगे आपको फिर लॉस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे राइट, सो दिस इज स्टिल बेरिश, डू नॉट ट्राई एंड गो लॉन्ग जस्ट येट। ऑफ कोर्स आवर फ्रेंड हियर मेड अ लॉट ऑफ मनी व्हिच इज ग्रेट फॉर हिम, कांग्रेट्स मैन, बट उनको देख के आप होल्ड करोगे वो तो निकल गए, उनने शायद बुक भी कर लिया होगा, आप रह जाओगे होल्ड करके, तो वो मत करो, दैट इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया, बिकॉज वो फिर आप मतलब एज आई कीप सेइंग ना, अगर वो क्रैश कंटिन्यू होने वाला होगा तो वो फिर बहुत नीचे चला जाएगा। लेवल तो मुझे मिल ही नहीं पा रहा है यहाँ पे क्योंकि कोई है ही नहीं, छोड़ दो छोड़ दो लेवल, वैसे भी 7:30 बजी है, लेट्स गेट टू 5 मिनट्स ऑफ डिस्कशन ऑफ द मार्केट एंड देन एक मिनट में देखो, जस्ट गिव मी अ सेकंड, सोल्ड एट 96, गुड 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 थिंग, वेरी गुड, हाँ वो ऊपर जा रहा है वो छोड़ो, रुपीस एंड सोल्ड एट 96, अमेजिंग मैन, दैट्स एक्चुअली दिस इज हाउ आई यूज्ड टू ट्रेड इन 2017, every day before I go to bed I would clear off all my positions, to chances hota tha fir subah uth ke jo 2-4 din nahi kari na clear usi mein band bach gayi meri, no comments on that, okay nahi uske baad kya hota hai ek bari aapko discipline tut jata then you start seeing yourself in loss then you don't want to close it, wo psychology aapko affect karti hai, sun rahe hain Nitin, ha roll aaye main ओके सपोर्ट बहुत नीचे क्योंकि उसके मतलब वो पंप के बाद वहां ट्रेडिंग हुआ ही नहीं कभी, 0.57 पे सपोर्ट है या 575 पे और 1.47 पे रेजिस्टेंस है, बहुत डिस्टेंस है मेरे को मालूम है लेकिन वो बीच में कुछ ट्रेडिंग ही नहीं हुआ है, मतलब मैंने 4 आवर और आर्ली पे भी अभी इतनी देर से जब तक ये बात कर रहे थे देख रहा था पर कुछ नहीं मिला मुझे, सो 0.57 मतलब 0.575 पे सपोर्ट है, 0.47 पे 1.47 पे सॉरी रेजिस्टेंस, ओके okay.